मध्य प्रदेश के महितपुर से इंसानियत को तार तार व दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां महितपुर रोड थाना क्षेत्र के ब्राह्मण खेड़ा पेटलावत गांव के बीच में 11 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी की हैवानियत मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मासूम बच्ची अपने 3 छोटे भाइयों के साथ में राशन लेने के लिए ब्राह्मण खेड़ा से पेटलावत गाँव गई थी, लेकिन राशन की दुकान बंद होने के चलते लौटते वक्त रास्ते में घात लगाए बैठा हवस का दरिंदा अपने नापाक मासूमों को लेकर विजय ने रास्ता रोका। मासूम को खंती में ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया और जैसे ही बच्ची चिल्लाई तो चाकू से उसे डराने लगा, लेकिन तभी राहतगर से गुजर रहे राहगीरों को बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और राहगीरों ने दौड़कर मौके से हैवान के चंगुल से मासूम को छुड़ाया और दरिंदा मौके से भागने लगा। तभी राहगीर तेजू लाल ने जैसे तैसे बदमाश को पकड़ा। इस दौरान अफरा तफरी के बीच में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और आरोपी विजय को पकड़कर ब्राह्मण खेड़ा से ले जाकर गांव के लोगों ने बदमाश का सिर मुंडाकर गांव में जुलूस निकाला, जमकर धुलाई भी कर और गोगापुर मंडी पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है व धारा व पास्को एक्ट के अंतर्गत पुलिस के प्रकरण का पंजीबद्ध भी कर लिया गया है। छोरी अनाज लेने गई थी पेटलावत, अनाज नहीं मिला। उसके साथ 3 बच्चे थे, वो उधर से आ रही थी। बामन खेड़ा और पेटलावत के बीच में कांकड़ है, उस कांकड़ पे विजय पिता भैरूलाल जी वहाँ पे खड़ा था शराब पी के। बोले वो बच्ची आई, उसको पकड़ के वहाँ ले गया। वो खाली में ले जा के उसको क्या वो कपड़ा क्या एहड़ा उसने, और फिर उधर से तेजू लाल जी पिता रतन लाल जी उधर से आ रहे थे बामन खेड़ा तरफ से। वो बच्चे ने बोला कि भैया के रुको तो तेजूलाल ने पूछा कि क्या हुआ, कि बोले उसको बच्ची को वहाँ खाली में ले गया वो, कि कौन ले गया, कि विजय ले गया। तो तेजूलाल गए वहाँ पे तो वो छोड़ के उस नाले में घुस गए थे, फिर बच्ची को बाहर ले आए, उसको छोड़े वो विजय उस नाले में घुस गया। तो फिर उस तेजू ने बोला कि बाहर निकाल के नहीं लिखूँगा, उसको चाकू बताया। फिर तेजूलाल ने बोला बाहर निकल तो मैं पत्थर मार दूँगा। फिर बाहर निकला, उसको पकड़ के गांव में ले गए। फिर गांव में से फ़ोन लगाया, फिर पुलिस आई, पुलिस लेके थाने पर आई। और हमारा यह निवेदन है कि उसको फांसी का ही होना चाहिए, हमारी मांग यही है। 7-8 साल के छोटे भाई बहनों के साथ में, भाइयों के साथ जो 3 थे, 3 लड़के थे 8-8 साल के और एक ये लड़की 11 साल की, ये ब्राह्मण खेड़ा से पड़ोस के गाँव में इस पेटलावत में राशन लेने अपना गई थी। जब ये वहाँ से वापस राशन नहीं मिला, वहाँ दुकान वकान बंद थी, तो ये वापस आ रही थी। जैसे ही अपने गांव के पास ब्राह्मण खेड़ा के पास आई तो आरोपी ये विजय भैरूलाल उम्र 30 साल जाति बलाई निवासी पेटलावत का अपने खेत पे था, इसका खेत है वहीं लगा। ये लड़की को देख के इसने उस लड़की से छेड़छाड़ की और इसे बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ के अपने रोड से नीचे उतार के जो अपने खंती है या नाला जो मेड़ किनारे गड्ढा टाइप का रहता है खेत किनारे वहाँ ले गया। उसे इसे मतलब इसका अंडरवियर वगैरह उतार के बल्ला मतलब वो प्रयास कर रहा था, तभी मोटरसाइकिल से उसी गांव के तेजू और उनकी पत्नी दोनों आए थे। ये छोटे बच्चे चिल्लाए कि वो दीदी को वहाँ ये ले गया, तो वो उतरा तो उनने बचाया, तब ये अंडरवियर निकली हुई थी लड़की की, बाकी कुछ कर नहीं पाया वो जो भी किया था। इस रिपोर्ट की इसकी सूचना हमें 100 नंबर पर मिली तो हम तत्काल मौके पर, मेरा उन इलाके में था, तो 100 नंबर की सूचना पर मैं एएसआई भगत और स्टाफ के लोग हम पहुंचे ब्राह्मण खेड़ा, तो वहाँ से लोगों ने गांव के लोगों ने पकड़ रखा था और हम उसी समय 100 डायल भी वहाँ पहुंच गई थी। तो 100 डायल पर हमने फरियादी उसके परिवार को भिजवाया कि थाने से लो रिपोर्ट करने, और इस आरोपी को लेके मैं भी थाने पर आया हूँ, जिससे अब पूछताछ करके कार्रवाई की। सर किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है? धारा 376-511 यानी बलात्कार का प्रयास, दूसरा 354 और बच्ची नाबालिग की लड़की, तो पास्को एक्ट की धारा लगी है। सर इसमें जानकारी मिली है कि इसके खिलाफ और भी जो प्रकरण है वो पंजीबद्ध हुए हैं पहले भी? हाँ, ये इसके खिलाफ इसी तरह की छेड़छाड़ के पहले 2 प्रकरण पूर्व पंजीबद्ध हुए। उज्जैन जिले से अर्पित बोड़ाना की रिपोर्ट।